और आज हम भी आपको एक भेंट देना चाहते हैं। अवश्य दीजिए। बचिए महाराज। महाराज, हम आपको भेंट में अपनी गर्दन देना चाहते हैं। भेंट में गर्दन? मामा ते विक्षिप्त हो गए क्या? सैनिकों, अर्थात हमारी निष्ठा आपके साथ पूर्णतया जुड़ चुकी है। महाराज, आपके और विजयनगर के मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए हम जान दे भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। अद्भुत महामात्य प्रलयंकर, हमें आपका ये भाव अत्यंत पसंद आया। चलिए, इसी बात पर आप अपनी गर्दन हमें दे दीजिए। लगता है महाराज सत्य में ही इनकी गर्दन ले लेंगे। क्या हुआ महामात्य, आपने तलवार गर्दन से दूर क्यों कर ली? महामात्य प्रलयंकर, हमने कहा हमें आपकी गर्दन चाहिए। आपकी गर्दन में ये पुष्प माला डालने हेतु। सच में अद्भुत है हमारे महाराज। देखा महाराज कितने अच्छे हैं। महाराज कृष्णदेव राय, आपने जो हार मेरे गले में डाला है वही हार आपकी हार का कारण बनेगा। आपका विजयनगर में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। गुरुवर जी। जी 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 महाराज। आप हमारे लिए क्या भेंट लाए हैं? छोटी सी लाए, अर्थात छोटी सी भेंट लाए हैं। छोटी नहीं, बहुत बड़ी लाए। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगी। अवश्य, दिखाइए। आओ धनी मनी। अरे मूर्खो, उपहार भेंट को उठाएगा? गधे कहीं के गधे हैं, हमें प्रिय हैं। ये है हीरो जड़ित राजगढ़ी तलवार। महाराज, ऐसी तलवार है कि इससे तलवार के क्या ढाल के भी दो टुकड़े हो जाते हैं। ये हमारी ओर से भेंट स्वीकार कीजिए। गुरुवर, ऐसी सुंदर और अनुपम भेंट केवल आप जैसा गुणवान व्यक्ति ही दे सकता है। हम आपके अत्यंत आभारी हैं, हमें आपकी ये भेंट अत्यंत पसंद आई। बस अब महाराज ये घोषणा करेंगे कि उनके हृदय के सर्वाधिक समीप हम हैं। धन्यवाद गुरुवर। धन्यवाद। अरे हाँ, पंडित रामकृष्णा, आप खाली हाथ आए हैं? आप भी तो महाराज के लिए भेंट लाने वाले थे ना, कहाँ है? महाराज, लाया हूँ महाराज, किंतु वो नहीं लाया जो आपको पहले से ही प्राप्त है।
देवी माँ की कृपा से, उनकी अनुकंपा से आपके पास सब कुछ है, धन रत्न ऐश्वर्य प्रेम राजपाट प्रसिद्धि सब कुछ। अतः मैं भेंट स्वरूप आपको कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जो मैं लाया नहीं, अभी तो वो स्वयं यहाँ आया है। पंडित रामकृष्ण की भेंट चलकर आने वाली है, आइए। ओ पंडित रामकृष्णा, जो आंखें मुंदे विश्राम करते रहिए, ये नहीं कि पहेली पूछ लें। आपकी की प्रतीक्षा कर रहा था गुरुवर, क्योंकि जनता के साथ साथ ये पहेली मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। आप पूछिए। तो आज की पहेली है, बतलाओ ऐसी दो बहने संग हस्ती संग गाती हैं, उजले काले कपड़े पहने पर मिल कभी ना पाती है। सोचिए सोचिए, इस पहेली का सही उत्तर सोचिए, और गुरुवर आप भी इसका सही उत्तर बताइएगा। इसका सही उत्तर मैं धारावाहिक के अंत में दूंगा। शिव 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 शिव, पंडित रामकृष्णा, अपमान कर रहे हैं महाराज का, है? ऐसा निर्धन भिखारी आप महाराज को भेंट स्वरूप दे रहे हैं? महाराज, पहले तो हमें संदेह था, किंतु अब हमें विश्वास हो गया है कि पंडित रामकृष्णा की जो बुद्धि है वो हो गई, भ्रष्ट हो गई। पंडित रामकृष्ण, महाराज मैंने आपसे कहा था ना कि माँ की कृपा से आपके पास तो सब कुछ है, और जो नहीं है वो आज मैं आपको देता हूं, और वो है दरिद्रता। पंडित रामकृष्ण, आप स्पष्ट रूप से कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? क्षमा करें महाराज, किंतु ये हमारे विजयनगर के सबसे दरिद्र मनुष्य हैं। ये इतने दरिद्र हैं कि इनके समक्ष निर्धन व्यक्ति भी धनवान प्रतीत होता है। इनके पास ना सर छुपाने को घर है, ना ही एक प्रहर खाने को अन्न। दूसरों की दया पर ही इनका जीवन निर्भर रहता है। महाराज, आज भेंट स्वरूप मैं आपको ये उत्तरदायित्व भेंट कर रहा हूं कि अब से विजयनगर में ना ही कोई निर्धन हो, ना अशिक्षित हो, ना बेघर हो, ना ही कोई भूखा हो। हर मनुष्य अपने और अपने कुटुंब की आजीविका को अर्जित करने योग्य हो। आशा करता हूं आप मेरी ये भेंट अवश्य स्वीकार करेंगे। पंडित रामकृष्ण, अब पंडित रामकृष्ण महाराज के क्रोध के शिकार हो जाएंगे। अद्भुत। सच कहें अम्मा, तो हमें आज तक जीवन में ऐसी अनूठी, ऐसी सूझबूझ से भरी भेंट कभी किसी ने नहीं दी। आज यहां इस सभा में हमें कई प्रकार की भेंट मिली। किसी ने हमें धन दिया, किसी ने वस्त्राभूषण, और किसी ने अस्त्र शस्त्र दिए। परंतु उत्तरदायित्व की भेंट देने की सूझ केवल आपको आई पंडित रामकृष्ण। हमें आपकी यह भेंट सहर्ष स्वीकार है। हम विजयनगर के सम्राट महाराज कृष्णदेव राय आज यहाँ इस सभा में यह घोषणा करते हैं कि हम इस उत्तरदायित्व का वहन जीवन पर्यंत करेंगे। आज अभी इसी क्षण से हम ये संकल्प लेते हैं
कि विजयनगर से निर्धनता और दरिद्रता को मिटा देंगे। इन्हें अपने साथ ले जाओ और उच्च कोटि के वस्त्र, सर्वोत्तम भोजन और धन धान्य से परिपूर्ण कर दो। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धनी गुरुजी तो कोयला हो गए, कोयला चल करके। पंडित रामाकृष्ण, पहले भी हमारे हृदय के सबसे निकट आप ही थे और आज भी हमारे हृदय के निकटतम आप ही हैं। पंडित रामाकृष्ण की, पंडित रामाकृष्ण की, पंडित रामाकृष्ण की, पंडित रामाकृष्ण की। अरे नहीं नहीं, जय जयकार करनी है तो महाराज की करें। वैसे इनके हृदय के सबसे समीप तो मैं ही हूँ, किंतु महाराज के हृदय में विजयनगर की प्रजा बसती है, तो बोलिए महाराज श्री कृष्ण देव राय की। महाराज कृष्ण। अंततः वो क्षण आ गया जिसकी प्रतीक्षा इन नेत्रों ने 20 वर्ष तक की है। माँ माँ तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। अब इस क्षण के साथ ही विजयनगर का भी शुभ समय आ गया है। अब विजयनगर पे कोई संकट नहीं आ सकता। महाराज हिमडोंग के राजा आपसे भेंट करने आए हैं। हिमडोंग के महाराज? हिमडोंग के राजा यहाँ इस अवसर पर? महाराज उन्हें तो इस राज्याभिषेक के लिए कोई निमंत्रण भी नहीं भेजा गया था, फिर वो यहाँ किस कारण से आए? कैसे रंग बिरंगे नमूने हैं। चित्र प्राणी हिंडोंग के राजा वीरों के तीर होड़ों के आन बानत पान। है पान। गुरुवर शांत रहिए, समझने तो दीजिए क्या कह रही है, वैसे समझने में इतनी परेशानी हो रही है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। महाराजा शुआंशु की हो सकता है इनकी भाषा में जय जयकार का हो कहते हैं। अच्छा महाराज शुभांशु, विजयनगर के राज दरबार में आपका स्वागत है। आज तक आपके विषय में बहुत कुछ सुना था, परंतु आपसे भेंट करने का अवसर आज प्राप्त हुआ है। आसन पर विराजिए। महाराज आप हिमडोंग से विजयनगर तक की यात्रा करके आए हैं, अवश्य ही कोई कारण रहा होगा। कौन है? पंडित रामकृष्ण आपको महिला कह रही है? तो आप कर रहे हैं? क्षमा कीजिए, हमारी हिंदी थोड़ी गड़बड़ हो। थोड़ी गड़बड़ नहीं है, अत्यधिक गड़बड़ है। इतना गड़बड़ है कि हमें हंसा दिया। ये महिला नहीं है, ये तो वो है, पुरुष है। मेरा नाम पंडित रामाकृष्ण है। हमारे प्रमुख सलाहकार है ये। अच्छा तो आप ही पंडित रामाकृष्ण? थी नहीं हूँ, है। पंडित रामाकृष्ण, अतिथियों का उपहास उड़ा रहे हैं आप? इनकी व्याकरण पर मत जाइए, भावनाओं को समझिए।
क्या नाम है आपका? हमारा नाम है। बड़ा प्यारा नाम। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हिंडोंग में आपकी छुट्टी की बहुत चर्चे हैं। व्याकरण पर मत जाइए, भावनाओं को समझिए। ठुड्डी का अर्थ है बुद्धि, बुद्धि ठुड्डी नहीं। अच्छा बुद्धि। हाँ हाँ वही। पर ये महिला कौन है जो इतना हंस रहा है? महिला नहीं है। हाँ ये तो पुरुष भी नहीं है। पंडित रामकृष्ण, मेरे कहने का अर्थ है कि महापुरुष है, महापुरुष है। हाँ। हम विजयनगर के राजगुरु हैं, महाज्ञानी, महापंडित तथाचार्य। आप लोगों ने अभी तक कारण नहीं बताया कि आप विजयनगर क्यों आए हैं। क्या हुआ? लगता है आपका नाड़ा चाहिए इन्हें। क्यों? आप सभी तो जानते हैं कि हमारा हिंडौन रेशम के लिए कितने प्रसिद्ध है। तो हमारे महाराज चाहते हैं कि हिंडोंग की रेशम दक्षिण के कोने कोने तक पहुंचे। महाराज ये तो बहुत अच्छा विचार है। इस प्रकार इनके यहाँ का रेशम हमारे यहाँ आएगा और हमारे यहाँ का कांजीवरम इनके यहाँ पहुंचेगा। सही कहा रानी आपने, इसीलिए हमने एक मार्ग बनाया है जो हिंडोंग से शुरू होगा और विजयनगर होते होते दक्षिण के कोने कोने तक पहुँचेंगे। महाराज क्योंकि आप दक्षिण के सबसे शक्तिशाली राजा हो, इसीलिए हमारे महाराज चाहते हैं कि आप इस मार्ग का उद्घाटन कीजिए। उद्घाटन? उद्घाटन, उद्घाटन करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। क्षमा करें महाराज, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। कहिए। मू, अभी आपने कहा कि रेशम के विक्रय के लिए आप लोगों ने हिमडोंग से दक्षिण तक एक मार्ग बनाया है, किंतु अभी तक उस मार्ग के विषय में हमें सूचना नहीं दी गई है। क्या हम उस मार्ग का नक्शा देख सकते हैं कि किन किन राज्यों से होते हुए वो मार्ग दक्षिण के कोने कोने तक पहुंचेगा? नगर के वन के मध्य में इतना बड़ा मार्ग निर्मित हो गया, ऐसा कैसे संभव है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला? महाराज वन के जिस भाग में ये मार्ग बनाया गया है वो वन का मरुस्थल है जहाँ कोई भी आता जाता नहीं है। और ये भी सत्य है कि यदि ये मार्ग बनाया गया है तो हम में से किसी ना किसी को इस विषय में कोई ना कोई सूचना अवश्य होनी चाहिए थी। इसकी सूचना आपको नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका तो एक ही अर्थ है महाराज, कि उन लोगों ने हमारे राज्य की अनुमति के बिना असंवैधानिक तौर पर वन के उस भाग में मार्ग बनाया है जो सीधा सीधा अतिक्रमण की सूची में आता है। सैनिक! महाराज शुभांशु को यहां हमारे कक्ष में प्रस्तुत किया जाए। महाराज शुभांशु, विजयनगर के वन के मध्य में ये मार्ग बनाने की अनुमति किसने दी आपको? आप लोगों की अनुमति से आपके राज्य और हमारे राज्य बीच ये समझौता हुई है। इसमें आपके राज्य की मोहर भी है और हस्ताक्षरा भी है। अक्षरा नहीं, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। अरे ये तो पंडित रामकृष्ण के हस्ताक्षर है। क्या बात करें गुरुवार, आप